अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। अरे जॉन द डॉन क्या हो गया? ओ तो भाई, मैं आप जैसा शरीफ इंसान बनना चाहता हूँ। मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जॉन मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, ये सुनकर मैं भी बहुत खुश हूँ। पतलू देखो, जॉन सुधरना चाहता है। अरे ये तुम्हें बुद्धू बना के लूट लेगा, इसके झांसे में मत आओ मोटू, मत आओ। पतलू मुझे एक मौका तो दो, सुधरने का एक मौका प्लीज। हम तुम्हें मौका देंगे जॉन, जरूर देंगे। ठीक है मोटू, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, लेकिन बाद में पछताना मत। मैं तुम्हारी मदद करूंगा जॉन, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैं अपने जैसे भूले भटके हुए चोर उचक्कों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल खोलना चाहता हूँ, जहाँ पर वो लोग काम करना सीखे और मेहनत करके पैसा कमाना सीखे। स्कूल की बिल्डिंग बनाने का पैसा मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन उसे चलाने के लिए और भी बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर तुम लोग कुछ चंदे का इंतजाम करवा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे जॉन भाई, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। चलो तुम्हारे स्कूल के लिए हम लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। थैंक यू बुड्ढू, थैंक यू। सुनो सुनो सुनो, फुरफुरी नगर के वासियों सुनो, जॉन एक शरीफ इंसान बन गया है। वो अब अपने जैसे भूले भटके चोर बदमाश लोगों को काम सिखाने और मेहनत करने के लिए एक अच्छा स्कूल खोलना चाहता है, जिसके लिए उसको चंदे की जरूरत है। तो आइए और दिल खोल कर चंदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच मोटू, मैं इतना अच्छा स्कूल खोलूंगा कि। अरे रुक जाओ, पहले स्कूल की बिल्डिंग खड़ी करके दिखाओ। स्कूल चलाने के लिए तुमको पैसा बाद में मिलेगा, कहीं पैसा लेकर भाग गए तो। ठीक है तो मैं पहले बिल्डिंग खड़ी करूंगा, मुझे तो सुधरना ही है। अरे तुमको मुझ पर यकीन है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा। रातों रात बिल्डिंग खड़ी करूंगा, हजारों मजदूरों को काम पर लगा दूंगा। चलो मोटू, तुम्हें मेरे स्कूल का इनॉग्रेशन करना है। तुम्हारा स्कूल बन गया? हाँ बन गया स्कूल, हमने दिन रात काम करके स्कूल बनाया है। अरे वो पैसों का बैग तो लेकर चलो, नहीं तो तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। यार चलो अंदर चलकर देखते हैं कि बना कैसा है। नहीं नहीं आज नहीं, आज तो अंदर साफ सफाई का काम चल रहा है, हम सब कल सुबह आकर देखेंगे। ठीक है, हम सब कल सुबह आएंगे, ओके। अरे अब तो रुपयों का बैग देते जाओ, स्कूल चलाने के लिए रुपए चाहिए। अरे पतलू अब तो उस पर विश्वास करो, देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, तुम्हारा मेरा नाम भी लिख दिया उस पर, अब तो उस पर यकीन करो। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अरे मोटू को क्या उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चली गई? अरे कैसी बिल्डिंग, यहाँ पर तो कोई शूटिंग चल रही थी ना, उसी का सेट लगा हुआ था। एक छोटे से आदमी जॉन ने तो हमें यही बताया।
चले थे जॉन को सुधारने। अरे मोटू, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि उसके झांसे में मत आओ। अब देखो, वो तुम्हें उल्लू बना के चला गया ना। ए बुद्धू। अयो माँ, वो तुम्हें इतना बड़ा बुद्धू बना जाएगा, यकीन नहीं होता। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो। आइडिया, हम उसे ऐसा उल्लू बनाएंगे कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगा। अब हम उगाएंगे रुपयों का पेड़। रुपयों का पेड़। अरे ये तो असली 100 का नोट है। अरे ये कैसा चमत्कार है, देखो देखो। अरे मुझे किस्मत से रुपयों वाले बाबा मिल गए। मैंने उनकी इतनी सेवा की और वो खुश हो गए। बोले, ये पौधा ले जा, इसके नीचे जितने रुपयों को दबा देगा उसके 10 गुना रुपए पेड़ पे लग जाएंगे भाया। फिर क्या, मेरे पास जितने रुपए थे एक बैग में डाल के पेड़ के नीचे दबा दिए। सुबह उठा तो पेड़ इतना बड़ा हो गया था और ये रुपए लटके हुए थे। अरे जय हो रुपयों वाले बाबा की। जय हो, जय हो। बॉस बॉस, फुरफुरी नगर में खबर फैली है कि एक रुपयों वाले बाबा हैं जो रुपए उगाने का पेड़ देते हैं। क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, रुपयों का पेड़? चलो चलकर देखते हैं। पेड़ से रुपए तोड़ के टोकरी में रख रहा है। चलो उससे जादूगर का पता पूछते हैं। भैया जल्दी बताओ, मुझे वो रुपए वाले बाबा कहाँ मिलेंगे? मुझे भी कुछ एक पेड़ चाहिए, मैं उस पैसे से समाज सेवा करना चाहता हूँ। ओ भाई साहब, मेरे पेड़ से पैसे तोड़ लीजिए, जितना चाहे उतना तोड़ लीजिए। देख लो, एकदम असली नोट है। ये नोट तो असली है, जल्दी बता दो कि वो बाबा मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं भी खुद का पेड़ लगाना चाहता हूँ। ओए मेरे यार, वो बाबा बैठते हैं काली पहाड़ी के चोटी पर। थैंक यू, थैंक यू। मैं फंस गया, सोच रहा था हम उसे पहचानेंगे नहीं। पैसों वाले बाबा, मुझे भी कुछ पौधे दे दीजिए, मैं भी पेड़ लगाऊंगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, पेड़ तो तुम्हें मिल जाएगा, पर एक शर्त है। अगर तुम उससे निकलने वाले पैसों को समाज सेवा में इस्तेमाल करो, लेकिन कहीं तुम चोर या डॉन तो नहीं? नहीं नहीं बाबा, मैं तो बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, एकदम शरीफ। तो फिर ठीक है, पतलू पतले बाबा, इनको एक पौधा दे दीजिए। प्रम प्रम प्रम। बाबा जी, इसके लिए आपको कितना दान दक्षिणा दो? मूर्ख, तू हमें पैसों का मोह देता है। हम यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं। इस मूर्ख से पौधा वापस ले लो। वेरी सॉरी, गलती हो गई बाबा, आपको पैसे की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही पैसों का पेड़ उगाते हैं। बैग में पहले से ही करोड़ों रुपए हैं। अब मैं उन रुपयों का 10 गुना और पेड़ लगा के उगाऊंगा। आएगा जिंदगी का मजा, कोई काम काज करने की जरूरत नहीं, अब बस खाओ और सो जाओ। जॉन भैया लगा लो पेड़, अब आएगा मजा।
आ गया। चोर बनेगा डॉन, सबसे अमीर डॉन। तोड़ो सारे नोट, तोड़ लो। नहीं नहीं, ये तो नकली नोट है। नहीं, मेरे रुपए। ये क्या नाटक है? चोर से धोखा। मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया, चोर को बुद्धू बनाया। अरे बुद्धू तो तुमने हमें बनाया था। चिंगम सर, आपकी इजाजत हो तो मैं इसे जेल भेज दूं। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? बाय बाय चोर। बुरे काम का बुरा नतीजा। अरे अब यहाँ भी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। खाओ और सो जाओ।